हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था अगले वाले वीडियो में कि मैं आपके लिए बूट स्टाइल सॉक्स लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो ये है वो बूट स्टाइल सॉक्स। ये देखिए, ये हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने हेयरबैंड बनाई थी उससे मैच करते हुए ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, चलिए इसका ट्यूटोरियल आज शुरू करते हैं। जल्दी से बना लेते हैं हमारे ये बूट स्टाइल सॉक्स। चलिए दोस्तों, तो हम ये बूट स्टाइल सॉक्स जो मैंने आपको बताया ये बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले 12 चेन बनानी है जो मैंने अपने शुरुआत के वीडियो में बताए हैं। आप उससे प्रैक्टिस कर ले और बना ले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। ये हमारी 12 चेन बन गई है। अब हमें 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा बनाकर जो 12वीं वाली चेन थी उस पर एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमें पूरी की पूरी 12 की 12 चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। चलिए, ये हमने 12 की 12 चेन में 12 डबल क्रोचेट बनाकर रेडी रखा है। अब हम 11 बनाए हैं एक्चुअली हमने। अभी आखिरी वाले में हम 12वां बनाएंगे। ये देखिए आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये 12 बन चुके हैं। अब ये जो आखिरी वाली चेन है इसमें हमने एक बना लिया है, हमें और इसमें 6 बनाने हैं। इसी में 6 बनाने हैं, यानी कि इंक्रीज करने हैं एक ही चेन में हमें। तो हम ये बना लेते हैं। देखिए, ये आखिरी वाली चेन में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। एक बना हुआ था, 6 और हमने बना लिए, तो ये इस तरह से राउंड हो गया, ठीक है। अभी ये फिर से 12 चेन है, इसकी दूसरी साइड हमें एक में एक, यानी हमें अभी बाजू वाली में एक लेना है डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से, फिर उसके बाजू वाली में, यानी कि हमें अब 6 इंक्रीज करने के बाद एक में एक डालना है, फिर यहाँ तक लेके आना है। फिर से फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। आप यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोचेट एक में एक बनाकर रेडी रखिए। देखिए दोस्तों, ये हमने आखिर तक ले लिया है एक में एक दूसरी साइड से भी। तो हम जो पहली हमने 3 चेन बनाई थी उसकी नीचे वाली चेन में हमने ये आखिरी वाला डाला है, जो हमने शुरुआत करने के लिए जो 3 चेन बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर उसकी आखिरी वाली चेन में हमने ये डाला है। अभी इसमें ये चेन जो 3 चेन है वो एक डबल क्रोचेट है और इस साइड ये दूसरा वाला है। हमने यहाँ पे 6 इंक्रीज किए थे, मतलब आखिरी वाली चेन में हमने टोटल 7 डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो ये यहाँ की आखिरी वाली चेन में ऑलरेडी 2 है, तो और हमें 5 बनाने हैं ताकि इसमें भी 7 हो जाए। तो ये 2, 1, 2, 3, 4 और ये हो गए हमारे 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये आखिरी वाली चेन में टोटल 7 हो गई है, एक साइड का ये, एक साइड का ये और बीच में हमने 5 बनाए, तो टोटल 7 बन गए। अब ये ऊपर की जो 3 चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। फिर अभी हम वहाँ पर है वापस से, जो हमने 12 चेन बनाई थी उसके ऊपर 12 सिंगल डबल क्रोचेट बनाए थे, तो ये 12 फिर से आ गए। तो हमें इसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक यहाँ 12वें तक लेके आना है। फिर आगे यहाँ पे राउंड बनाने के लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसमें एक के ऊपर एक, देखिए एक में बता देती हूँ, ये एक, ये फिर बाजू वाले में एक, फिर बाजू वाले में एक, इस तरह से हमें 12 के 12 के ऊपर 12
और बना रखकर रेडी रखना है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये हमने फिर से 12 बना लिए हैं। अब जहाँ पर हमने टोटल 7 बनाए थे, दोनों साइड एक एक और बीच में 5 एक्स्ट्रा बनाए थे, यानी 5 इंक्रीज किए थे, यानी टोटल 7 बने थे ये राउंड लेने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक में दो दो बनाने हैं, यानी हर में हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट इंक्रीज करना है। ठीक है, ये देखिए एक में दो बन गए, ये दूसरे में हमें वापस से दो बनाने हैं, ये देखिए, ये तीसरे में हमने वापस से दो बनाने हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक हर एक में दो दो बनाएंगे, सातों के सातों में, और वापस से ये लाइन है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये पूरा कर ही लेते हैं। चलिए ये देखिए, एक के अंदर एक इंक्रीज करना है। ठीक है, हम जो एक्स्ट्रा बनाते हैं डबल क्रोचेट, एक ही डबल क्रोचेट के ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक इंक्रीज किया। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान है, ये हम गोलाई के लिए कर रहे हैं इस तरह से। चलिए अभी ये आखिरी वाले में भी हम ये दो डबल क्रोचेट बना लिए। अब हमें फिर से ये सीधा सीधा करना है। अभी हम बाजू वाली में एक बनाएंगे, फिर उसके बाजू में एक बनाएंगे, इस तरह से हम फिर से 12 बनाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर यही करना है, यहाँ भी हर एक के ऊपर एक इंक्रीज करना है और यहाँ तक पहुँचना है। फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। मैंने साइन आप चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमें फिर से एक के अंदर एक इंक्रीज करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने 12 बना लिए हैं। अभी हमें फिर से क्या करना है, ये आखिरी वाले 7 है तो उसमें हमें एक के अंदर एक और ये दो बनाकर एक को इंक्रीज करना है। ठीक है, यानी हर वाले में हमें, हर डबल क्रोचेट में हमें दो डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये देखिए, ये खत्म करते ही हमारा दूसरा राउंड फिनिश हो जाएगा। देखिए चौथे वाले में भी दो बनाएंगे हम। दोस्तों, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने शुरुआती जो मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें सिंगल डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट, हाफ क्रोचेट, सारी नॉलेज मैंने दी है। आप वो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आपका हाथ बैठ जाए, फिर आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से मेरे वीडियो देख लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे के सारे वीडियो देखकर वो सारा बेसिक नॉलेज सीख जाए ताकि आप सारी चीज़ें बना सकें। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए बड़ा ही आसान है, ये स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोचेट, सारा कुछ मैंने अपने शुरुआती वीडियो में दिखाया है ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट का, वो सीखे और उसके बाद में मेरे द्वारा बनाए गए सारे ही प्रोजेक्ट अपने आप बनाकर एंजॉय करें। ये देखिए, ये हमारा दूसरा राउंड फिनिश हो गया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम अब दो चेन लगाएंगे और ये सारे के सारे जो है यहाँ तक 12 के 12, इसमें हम हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। हाफ डबल क्रोचेट यानी
हम तीनों में से एक साथ ही निकालेंगे। ये भी मैंने आगे आपको सिखाया हुआ है, आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये बनाइए। देखिए ये तीनों में से क्रॉसेट एक साथ निकालेंगे, ये धागा लिया इसमें डाला और तीनों में से एक साथ निकालेंगे। तो हम यहाँ तक आते हैं हाफ डबल क्रोचेट बनाकर। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने 12 के 12 हाफ डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 7 पहली लाइन में बनाए थे, दूसरी लाइन में यहाँ पे गोलाई के लिए हमने एक एक हर एक में इंक्रीज किया था, तो अभी ये 14 है। तो ये 14 के 14 में हम क्या करेंगे, पहले एक में एक हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर दूसरे में दो हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि एक को इंक्रीज करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो नीचे दो है ऊपर तीन हो गए। अब उसके नेक्स्ट वाले में हम एक में एक हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे और दूसरे वाले में हम दो हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, तो 14 के ऊपर हमारे 7 इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम यहाँ तक 7 इंक्रीज हो जाएंगे, तो टोटल बनेंगे 14 के ऊपर हमारे बनेंगे 21 हाफ डबल क्रोचेट। तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 21 हाफ डबल क्रोचेट बन जाएंगे। फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करनी है इसके ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे हाफ एक के ऊपर एक हाफ डबल क्रोचेट बनाया, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। और फिर ये गोलाई में वही करना है, एक के ऊपर एक हाफ डबल क्रोचेट और दूसरे के ऊपर दो हाफ डबल क्रोचेट, वापस से एक, वापस से दो, वापस से एक, वापस से दो। तो ये 7 के ऊपर हम टोटल 21 बनाएंगे और फिर यहाँ पर आकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ तक मैं करती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये दूसरे छोर पर मैं वापस से आपको बताती हूँ कैसा करना है। ये देखिए, पहले वाले में एक हाफ डबल क्रोचेट, दूसरे वाले में ये एक और ये दो हाफ डबल क्रोचेट, फिर तीसरे वाले में एक हाफ डबल क्रोचेट और चौथे वाले में ये एक और ये दो हाफ डबल क्रोचेट, इसके बाद एक हाफ डबल क्रोचेट और उसके बाद वाले में एक और ये दो हाफ डबल क्रोचेट। ये देखिए, फिर उसके बाद वाले में एक हाफ डबल क्रोचेट, फिर ये एक और ये दो हाफ डबल क्रोचेट, फिर एक हाफ डबल क्रोचेट और फिर ये एक हाफ डबल क्रोचेट और ये उसी में दूसरा हाफ डबल क्रोचेट। ये देखिए, और फिर यहाँ पर हम एक हाफ डबल क्रोचेट करेंगे और ये जो चेन, दो चेन थी उसके ऊपर वाली चेन में हम ये स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारा दो राउंड पूरा हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें एक, ये देखिए, ये एक चेन लेनी है और एक चेन लेकर हमें यहाँ पे ये जो पहला हाफ डबल क्रोचेट था उसमें हमें, ये देखिए, फिर से देखते हैं, हम एक चेन लेनी है और जो चेन बनाई थी हमने यहाँ पर उसी में हमें एक, ये देखिए पीछे से बैक पोस्ट जो मैंने आगे के वीडियो में बताया है आपको, उस तरह से हमें ये एक, दो और तीन चेन बनाकर इस तरह से उठा लेना है। अभी हमें क्या करना है, ये सारे के सारे जो हमने हाफ डबल क्रोचेट बनाए हैं उस सभी में इस तरह से बैक पोस्ट बनाने हैं, यानी कि इस तरह से पीछे से लेकर, देखिए ये पीछे से लेकर, ये बैक पोस्ट बोलते हैं इसे, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है, आप देख लीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, हाफ डबल डबल क्रोचेट ही बनाना है, लेकिन हमें इस तरह से बैक साइड से धागा निकाल कर बनाना है। ये देखिए, इससे क्या होगा, ये हमारी
पूरी चेन स्टिच जो है उसकी बॉर्डर बनेगी। तो ये तला इस तरह से आएगा हमारे वुड स्टाइल सॉक्स का, और यहाँ से हम ऊपर का शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से बैक पोस्ट बना लेनी है हमें, और ये पूरा ये पूरी लाइन इस तरह से यहाँ तक हमें बैक पोस्ट से ही बनानी है। कोई इंक्रीज नहीं करना, कुछ डिक्रीज नहीं करना, सिर्फ इस तरह से हमें डबल क्रोचेट बनाना है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें ये पीछे से लेना है। ये देखिए, ये देखिए, फिर से देख लीजिए, सारे ही हाफ डबल क्रोचेट में हमें ये इस तरह से, बड़ा ही आसान है। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे शुरुआती वीडियो देखिए, सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एक बार दो बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर से देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। एक दफ़ा अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो फिर ये सब बनाना एकदम ही आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए कि इस तरह से हम पूरा ये राउंड ख़त्म करेंगे, और बाद में बताती हूँ कि आपको क्या करना है आगे। देखिए दोस्तों, ये हमने सारे बैक पोस्ट बनाकर ये इस तरह से एक राउंड पूरा कर लिया है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हमें क्या करना है, एक फ्रंट पोस्ट लेना है, एक बैक पोस्ट लेना है। तो हमारा ये जो पहली हमने तीन चेन बनाई थी, यहाँ पे शुरुआती जो तीन चेन बनाई थी वो एज ए फ्रंट पोस्ट आए, इस तरह से हमें स्लिप स्टिच लगानी है। तो वैसे स्लिप स्टिच हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हमें इसे फ्रंट पोस्ट बनाना है, इसलिए हम पीछे से लेंगे धागा। ये देखिए, तो पीछे से धागा लेकर, ये देखिए, ये फिर से देखिए, ये पीछे से धागा लिया, और ये देखिए, अब हमें एक दो और तीन, ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बन गए। ठीक है, अब हमें बाजू वाले में बनानी है बैक पोस्ट। देखिए ये बैक पोस्ट, अब फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट में हम इस तरह से धागा लेंगे। ये देखिए, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है आगे के वीडियो में। अगर आपको दिक्कत है तो आगे के वीडियो देखिए। ये देखिए बैक पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करना, हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से करेंगे। ये गोलाई में हमारे 21 होंगे, तो यहाँ पे हमें बीच वाला, यानी कि यहाँ से 10 गिन के यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी 10 होंगे, इस तरह से बीच वाला सिलेक्ट करना है। वहाँ पे हमें या धागा या तो फिर काउंट करके भी हो सकता है, अगर नहीं होता तो आप कोई सेफ्टी पिन या धागा या कुछ लगा ले। तो पहले हम एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट से ये यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये यू शेप वाला शेप हम बना लेते हैं, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। देखिए दोस्तों, हम अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये हम सॉक्स को अगर इस तरह से डबल करेंगे इसके तले को, तो हमें ये बीच वाला यहाँ पे ये पोर्शन मिलेगा। ये देखिए, अंदाजन भी हो सकता है और आप काउंटिंग कर सकते हैं, 21 है यहाँ पे इंक्रीज्ड होके टोटल, तो आप 11 वाला, इस साइड 10 आएंगे, इस साइड 10 आएंगे, 11वां जो होगा वो बीच का होगा, वो आप ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ तक तो ये रिपीट ही करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। ये अब हम बैक पोस्ट करेंगे, देखिए अभी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए, आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए किस तरह से हमें क्रोचेट को घुमाना है, कहाँ से निकालना है। ये देखिए, अभी ये फ्रंट पोस्ट, ठीक है, अभी ये बैक पोस्ट। ओके, चलिए ये फ्रंट पोस्ट,
बैक पोस्ट। देखिए पीछे से घुमाएंगे, इस तरह से आसानी से निकल जाता है हमारा प्रोजेक्ट भी। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी सब आसानी हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हम कुछ भी बना सकते हैं अच्छे से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे आप प्रोजेक्ट के साथ। ये देखिए अभी हमारा बीच वाला आ चुका है। अभी हमने ये हमारा बीच वाला है, अभी हम एक फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। उसके बाद जो बीच वाला है वो हमारा बैक पोस्ट लेना है, तो हम उसको स्किप करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट ले लिया हमने, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट हमने ले लिया। अभी जो बीच वाला है, जो ये वाला, वो हमें बैक पोस्ट लेना है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से हमारा शेप देना है तो हम इसे स्किप कर देंगे। और उसके बाजू वाले में फिर से फ्रंट पोस्ट लेना होता है, तो सीधा बैक पोस्ट लिए बिना उसे स्किप करके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। उसे क्या होगा, उल्टा वी बन जाएगा हमारे आगे के पोर्शन में। ये देखिए ये वी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वी बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक फिर से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट लेकर यहाँ तक पहुँचना है। फिर से तीन चेन बनानी है नेक्स्ट राउंड के लिए, और फिर से यहाँ तक पहुँचना है। तो अभी हम ये पूरा राउंड यहाँ तक पहुँचाने के बाद फिर मिलते हैं कि कैसे करना है आगे। देखिए दोस्तों ये राउंड हमने फिनिश किया, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की, यहाँ पर हम फिर से फ्रंट पोस्ट की तरह ही इसे जॉइंट करेंगे। और ये फिर से जैसे मैंने आपको बताया तीन चेन डालनी है। देखिए एक दो और तीन, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया है जो तीन चेन वाला था। अब हमें देखिए फिर से दिखाती हूँ, ये आगे की जो तीन चेन थी इसमें हमें इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर देना है, और फिर एक दो और तीन चेन बनानी है। तो ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही ये फ्रंट पोस्ट बन गया। अब दूसरा वाला हमें फिर से बैक पोस्ट बनाना है, तो हम पीछे से लेंगे और ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा राउंड यहाँ तक, जो हमने यहाँ पे वी बनाया है उसके एक फ्रंट पोस्ट से पहले तक पूरा कर लेते हैं। बाद में आगे यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। बस नहीं आया था। देखिए दोस्तों ये हम फिर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने ये वी शेप बनाया था। ये देखिए ये वाला, तो ये इसके आगे वाला जो ये फ्रंट पोस्ट है, पहले हम इस उसके भी आगे वाला ये बैक पोस्ट बना लेते हैं। ये देखिए अब ये वाला वी शेप जो हमने बनाया था उसके आगे का ये फ्रंट पोस्ट ये हमने बनाया। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट बनाया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके बाद वाला बैक पोस्ट जो आता है वो, और ये दोनों फ्रंट पोस्ट और ये वाला बैक पोस्ट, मतलब ये वी शेप और उसके आजू बाजू वाले जो बैक पोस्ट है उसे हमें स्किप कर लेना है, और सीधा ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसे उठाकर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो जो वी है उसके ऊपर एक दूसरा उल्टा वी बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। फिर से हमें कंटिन्यू करना है यहाँ तक आकर, फिर से जो मैंने आगे बताया था तीन चेन बनाकर ये राउंड पूरा करना है, फिर तीन चेन बनाकर फिर से यहाँ तक पहुँचना है। और फिर से मैं बताती हूँ एक बार दूसरे वाले राउंड में क्या कैसे करना है। चलिए दोस्तों तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हमें क्या करना है, ये बैक पोस्ट लेना है जो ये हमारा वी शेप है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर,
उसके आगे का फ्रंट पोस्ट ये है, तो हम वहाँ पे फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। फिर से वही करना है, ये बैक पोस्ट और ये वी और उसके बाजू का बैक पोस्ट हमें स्किप कर लेना है और ये वाला फ्रंट पोस्ट उठा के यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए वी के ऊपर वी बनता जाएगा इस तरह से, देखिए दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। फिर हमें बाजू का बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा राउंड ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमें पूरा, ये हमने चार राउंड बना लिए हैं, हमें और तीन राउंड बनाने हैं, ठीक है। तो और तीन राउंड बनाने के बाद अब आगे हमें क्या करना है वो हम बाद में देखते हैं, पहले तीन राउंड बना लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी टोटल सात राउंड होने चाहिए, हमारे चार बन चुके हैं, हम और तीन करने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखो दोस्तों, हमने सात राउंड पूरे कर चुके हैं यहाँ पर। अभी हमें नेक्स्ट राउंड कैसे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने आखिरी वाला यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ले लिया है और एक चेन बना ली है। अभी हमें सारे के सारे बैक पोस्ट स्टिच करते जाना है और सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पोस्ट पर काम करना है। ये देखिए इस तरह एक चेन बैक पोस्ट को स्टिच करना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट और बनाना है। फिर से एक चेन बैक पोस्ट को स्टिच करना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद में बताती हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये फ्रंट पोस्ट आखिरी वाली बनाकर राउंड फिनिश किया है। अभी हमें यहाँ से ये जो ये वाली फ्रंट पोस्ट है वी शेप के बाद वाली, जैसा हमने पहले किया था वही फ्रंट पोस्ट को लेकर एक फ्रंट पोस्ट बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और ये वाला राउंड हमें यहाँ पर, ये देखिए ये हम ये फ्रंट पोस्ट को लेकर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये राउंड फिनिश होता है। अब हमें क्या करना है, तीन चेन बनानी है नेक्स्ट राउंड के लिए। और जो पहली वाली चेन है उसमें हमें दो डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए पहली वाली चेन में हमने दो डबल क्रोचेट डाल दिए हैं। अब हमें इसे ये जो बाजू वाला डबल क्रोचेट है उसकी ऊपर की चेन में ज्वाइंट करना है, ठीक है। फिर से तीन चेन लगाएंगे और फिर हम डबल क्रोचेट, दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। लेकिन अब हम ये देखिए यहाँ पे जो ये स्पेस मिली है हमें यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए एक और ये दो, ठीक है। इसके बाजू वाले में हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से, देखिए फिर से बना लेते हैं। देखिए एक और ये दो। अभी हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये देखिए फिर से तीन चेन लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पे जो जॉइंट किया है, यहाँ पे जो ये डबल क्रोचेट और ये चेन के बीच में जो स्पेस मिली है हमें, वहाँ पे हमें हमारा क्रोचेट डाल के धागा खींचना है और डबल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए तो इस तरह से पूरा ये ऊपर की ओर कंगरी जैसा बनता नज़र आएगा। ये देखिए आपको इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा राउंड फिनिश कर लेना है।
ये देखिए हमारी आखिरी वाली लाइन भी फिनिश हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे ये नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाकर धागा काट लेंगे। अभी हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डोरी कैसे बनाते हैं। डोरी के लिए हमें ये देखिए डोरी के लिए शुरुआत में हमें 5 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर पहली वाली के साथ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये देखिए ये हमारी रिंग बनकर तैयार हो गई। अब हमें 3 चेन और उसके बाद ये जो रिंग बनी है इसमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, ये 2 और ये 3। फिर से 3 चेन बनानी है और इसे यहाँ पे रिंग के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोचेट। ये देखिए हमारी एक पंखुड़ी बनकर तैयार हो गई। हमें इस तरह की 3 पंखुड़ी वाला फ्लावर बनाना है एंड पे। ये देखिए ये दूसरी 1, 2 और ये 3 डबल क्रोचेट। ये देखिए फिर से 3 चेन और फिर से इसे रिंग में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर से 3 चेन तीन डबल क्रोचेट। और फिर से 3 चेन और इसे फिर से ये जो रिंग बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा प्यारा सा एक छोटा सा फूल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अब हमें चेन बनानी है। ये चेन हम हमारे बूट स्टाइल सॉक्स के अंदर डोरी के लिए बना रहे हैं। तो हमारी जो लेंथ है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी इसके अंदर पिरोनी है और थोड़ी सी बाहर रहे, इस प्रकार से हमें लेंथ लेनी है। तो वो आप अपने हिसाब से चेन बना ले और चेन के आखिर में फिर से एक्स्ट्रा 3 चेन बना एक्स्ट्रा 5 चेन बनाएंगे और फिर से यही वाला फ्लावर बनाएंगे। तो मैं लेंथ के हिसाब से चेन बनाकर फिर आपको ये फ्लावर एंड में कैसे बनाना है वो बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों ये मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से ये देखिए यहाँ पर नाप के करीबन 60 चेन लगी है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये आखिरी वाली 5 जो चेन है उसमें फिर से एक रिंग बनाऊंगी स्लिप स्टिच से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए ये फिर से 3 चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने ये फ्लावर बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे फ्लावर बनाना है। तो बाद में देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों ये हमने हमारे बूट में ये डोरी पिरो कर रेडी रखी है और ये देखिए साइड में हमने ये बहुत प्यारा सा ये फूल और ये पत्ती लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ तैयार है।
ऐसा ही ये दूसरा बनाऊंगी, उसमें ये साइड पर लगाऊंगी ताकि ये पूरी पैर बनकर तैयार हो जाए। और ये फूल और ये पत्ती ये मैंने अगले वीडियो में आपको सिखाया है, तो आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां जाकर ये देख ले कैसे बनता है और अपने शूज़ को डेकोरेट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा ही प्यारा बना है, 1.5 साल तक की बच्ची को आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बूट बनकर तैयार हो चुके हैं। ये डोरी भी पुरोली है और ये इसे हमने फ्लावर और लीफ के साथ डेकोरेट कर लिया है। तो आपको ये बूट कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाले मेरे सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।